हेलो दोस्तों, मैं चिराग एक और वीडियो के साथ। आज की जो वीडियो है उसमें हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन देखेंगे। पिछली वीडियोज अगर आपने नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और औरों तक भी शेयर कीजिए ताकि उन तक ये वीडियो पहुँच सके। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जनरली देखते हैं तो हम प्रोडक्शन की बात करते हैं, क्योंकि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन और रिटर्न टू स्केल दो ऐसे पार्ट है जो प्रोडक्शन से रिलेटेड हैं। तो जब हम प्रोडक्शन की बात करते हैं तो उसमें इनपुट और आउटपुट दोनों आता है कि इनपुट लगाने के बाद प्रोसेस होने के साथ आउटपुट निकल के आता है। तो जब हम इकोनॉमिक्स के देखते हैं तो हम शॉर्ट टर्न और लॉन्ग रन की बात करते हैं। शॉर्ट टर्न का मतलब ये नहीं होता अकाउंट्स की तरह कि एक साल से कम का पीरियड शॉर्ट टर्न या एक साल तक का पीरियड शॉर्ट टर्न और एक साल से ज़्यादा का लॉन्ग रन। वो बिजनेस के हिसाब से इकोनॉमिक्स में अलग अलग होता है कि आपका 2-3 साल का भी शॉर्ट टर्न हो सकता है, क्योंकि शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन जब आप देखोगे तब समझ में आएगा। तो एक बार मैं मीनिंग बता देता हूँ, फिर आपको पता चलेगा कि इस तरीके से आपको नहीं आएगा, पहले आपको उनके पार्ट समझने पड़ेंगे। मीनिंग में बोलता है कि इट स्टेटेड एज मोर एंड मोर ऑफ वेरिएबल फैक्टर इज कम्बाइंड विथ फिक्स फैक्टर। तो फिक्स फैक्टर मतलब फिक्स इनपुट के साथ जो कि फिक्स है उसके साथ अगर वेरिएबल के और भी पार्ट अगर आप लगाते जाओ तो शुरू में एम पी क्या होगी, इनिशियली राइज होगी, फिर इवेंचुअली एक सिचुएशन आएगी जब एम पी गिरना चालू कर देगी, उसके बाद एम पी क्या हो जाएगी, जीरो, और बाद में नेगेटिव भी हो सकती है। तो एम पी क्या, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी की बात कर रहा है। तो उसके लिए पहले आपको प्रोडक्शन फंक्शन, प्रोडक्टिविटी, फिक्स फैक्टर, वेरिएबल फैक्टर वो पता रहने चाहिए। तो यहाँ पे जब हम बोलते हैं कि आपके फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर क्या है, तो वो इनपुट है। जैसे हम डिमांड फंक्शन पढ़ते थे, सप्लाई फंक्शन, तो उसमें भी फैक्टर होते थे, प्राइस, रिलेटेड गुड्स, टेस्ट, इनकम, प्रेफरेंस। वैसे ही यहाँ पे क्या बोलेगा, जब प्रोडक्शन करेंगे तो प्रोड्यूसर के लिए क्या होते हैं, इनपुट काम में आते हैं। तो क्या काम आते हैं इनपुट, एक तो फिक्स और एक वेरिएबल, क्योंकि हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की बात कर रहे हैं। तो उस केस में क्या होते हैं, एक फैक्टर मान लो फिक्स होता है और बाकी सारे वेरिएबल होते हैं। तो फिक्स का मतलब क्या है, जो प्रोडक्शन के साथ चेंज नहीं होता, और वेरिएबल क्या होता है, जो प्रोडक्शन के साथ चेंज हो जाता है। तो फिक्स का मतलब क्या हुआ, डज नॉट चेंज विद द चेंज इन आउटपुट। एग्जाम्पल में बोल दिया मशीन्स, लेकिन इसके अलावा मैं बोल सकता हूँ प्लांट एंड मशीन बोल दो, लैंड बोल दो, ये जनरली क्या रहते हैं, फिक्स रहते हैं। क्योंकि अगर आपने एक बार खरीद लिया तो शॉर्ट रन में आप इसको बदलने की नहीं सोचते हो या इसको बढ़ाने की नहीं सोचते हो। बिजनेस का साइज जब बढ़ाने की सोचते हो जनरली लॉन्ग रन में होता है, जिसके लिए हम पढ़ेंगे रिटर्न टू स्केल, वो छोटा सा टॉपिक है, वो तो वैसे भी हो जाएगा। विच वेरीज विद चेंज इन आउटपुट, तो वो तो वेरिएबल फैक्टर है। जनरली इसमें क्या आ जाएगा, अगर आप रॉ मटेरियल ज़्यादा खरीद रहे हो, क्यों, क्योंकि आपको अपना आउटपुट बढ़ाना है। अगर आप लेबर ज़्यादा लगा रहे हो, क्यों, क्योंकि आउटपुट ज़्यादा बढ़ाना है, क्योंकि आपकी डिमांड है गुड्स की। तो यहाँ बोल रहा है कि विच वेरीज विद चेंज इन आउटपुट, अगर आपने लेबर कम किए, जब आपको पता है कि आपका प्रोडक्शन कम करना है आपको, तो आप लेबर भी क्या कर दोगे, कम। तो जो ये वेरिएबल फैक्टर है वो प्रोडक्शन में चेंजेस के साथ चेंज होते रहते हैं। अब आपको ये बोलता है कि प्रोडक्शन फंक्शन जनरली दो चीज़ों से बना होता है, एक तो इनपुट और आउटपुट। और ये क्या बताएगा, ये एक फिजिकल रिलेशनशिप बताएगा इनपुट और आउटपुट में। कहने का मतलब इनपुट लगाने से, जैसे मैं बोल सकता हूँ लेबर, कैपिटल, टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, ये सब एक तरीके से इनपुट है। जैसे ही ये लगाओगे प्रोडक्शन में तो आउटपुट निकलेगा। तो आउटपुट को मैं बोल देता हूँ क्वांटिटी। तो अगर आप एक फंक्शन बनाओगे मैथमेटिकल, तो वो कैसे बनेगा, QX, यानी जो आउटपुट निकल रहा है वो किसके फंक्शन से निकल रहा है, लेबर के, कैपिटल के। अब मैं दो ही पार्ट में बता रहा हूँ, लेकिन आप उसमें टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, ये सारा पार्ट जोड़ सकते हो और वो फंक्शन बन जाते हैं। जैसे आपने डिमांड के फंक्शन इनके पढ़े, वैसे प्रोडक्शन के हिसाब से होते हैं। तो अब जैसे मैंने बोल दिया कि मैंने 4 लेबर लगाई और 50 लाख की कैपिटल लगाई, तो ये मेरा एक प्रोडक्शन फंक्शन हो गया जिसमें मैंने 4 लेबर लगाई और 50 लाख की कैपिटल लगाई। तो मेरा जो आउटपुट निकला वो कितना निकला, 500 यूनिट का। तो जो 500 यूनिट का जो भी है, जो भी मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ गुड्स, तो 500 यूनिट जो आउटपुट निकला वो इन कॉम्बिनेशन से निकला। तभी इसने बोला कि मोर एंड मोर ऑफ द वेरिएबल फैक्टर इज कम्बाइंड विद फिक्स फैक्टर। तो जनरली आप जब इसमें देखोगे तो एक शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन होगा और एक लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, दो टाइप के। शॉर्ट रन का मतलब किससे रिलेटेड है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो वेरिएबल फैक्टर है वो क्या होंगे, चेंज होंगे। तो इसमें इंक्रीज ऑफ वेरिएबल फैक्टर, तो वेरिएबल फैक्टर मतलब क्या हो गया, लेबर में चेंज करना पड़ेगा, जनरली हम एग्जांपल में ये देखेंगे। इसके अलावा रॉ मटेरियल चेंज होगा, या वेरिएबल फैक्टर से जो भी रिलेटेड है जो आउटपुट के साथ बदलते हैं वो भी बढ़ते जाएंगे। और जबकि फिक्स फैक्टर क्या रहेंगे, कॉन्स्टेंट। इसका मतलब ये बोल सकते हो कि वन फैक्टर फिक्स और बाकी सारे वेरिएबल। अगर आप इसमें देख रहे हो क्वांटिटी का फंक्शन, तो लेबर में मैंने कुछ भी बार नहीं लगाया, लेकिन कैपिटल में क्या लगाया, बार। कैपिटल बार मतलब कैपिटल फिक्स है,
कैपिटल मतलब प्लांट मशीनरी लैंड जो भी आप लगा रहे हो वो फिक्स है। मान लो एक खरीदी तो एक ही खरीदी भी है, लेकिन अगर प्रोडक्शन बढ़ाना है तो लेबर की हेल्प से बढ़ाओगे, लेबर को बढ़ाते जाओगे, जो कि मैंने एक एग्जांपल से भी सिखाया हुआ है, वो आप सीख जाओगे। लॉन्ग रन में क्या होता है, सारे फैक्टर वेरिएबल मतलब जो शॉर्ट रन में फिक्स होते हैं मशीन जो भी है, वो भी लॉन्ग रन में आके बिजनेस की स्केल बढ़ाने के लिए बदलनी पड़ती है। मतलब उसमें जो प्रपोर्शन रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। अभी अपन आ जाते हैं, पहले एक बार पॉइंट पढ़ लेते हैं। प्लांट साइज को चेंज किया जा सकता है, फंक्शन जो बना रखा है उसमें एल और के है, के ऊपर बार नहीं है तो इसका मतलब क्या है, के भी वेरिएबल है। कांस्टेंट प्रपोर्शन टाइप प्रोडक्शन फंक्शन और वेरिएबल प्रपोर्शन टाइप। अगर आप खुद ही देखो मैंने वेरिएबल प्रपोर्शन बोला तो आपको पता है कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन इससे रिलेटेड होगा। क्यों, आप एग्जांपल देखो, अगर लैंड फिक्स है, कैपिटल फिक्स है, कोई भी एग्जांपल दे सकते हो, लेबर वेरिएबल है, तो अगर आप लैंड एक लगा रहे हो और लेबर एक लगा रहे हो तो प्रोडक्शन दो रहा है, लेकिन लैंड फिक्स ही है, आपने दो लेबर लगाई, लैंड फिक्स ही आपने तीन लेबर लगाई, तो प्रपोर्शन देख सकते हैं 1:1, 1:2, 1:3, 1:4, 1:5, तो ये वेरिएबल मतलब चेंज होता जा रहा है, तो उस केस में प्रोडक्शन क्या हो रहा है। और अगर मैं इसी को आपको बोलता समझाने के लिए, जो कि मैं कांस्टेंट के लिए समझा रहा हूँ, तो ये मान लीजिए, एक बार मैं थोड़ा सा इसको हटा देता हूँ, ये मान लीजिए कि एक लैंड है और एक लेबर है, तो अगर मैं आपको बोलता हूँ कि दो लैंड दो लेबर, यानी लेबर बढ़ने के साथ साथ जो आप बोल सकते हैं मशीन्स या लैंड, कहने का मतलब जो फिक्स फैक्टर है उसमें भी चेंज हो रहा है, तो फिक्स फैक्टर कोई है ही नहीं लॉन्ग रन में, मतलब वो भी वेरिएबल हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रपोर्शन पहले भी 1:1 था और अभी भी 1:1 कांस्टेंट। अगर लेबर तीन कर रहा हूँ तो लैंड भी उतने से बढ़ानी पड़ेगी, तो ये हो गया 1:1, तो आप देख सकते हैं कांस्टेंट। तो इसलिए बोलते हैं कांस्टेंट प्रपोर्शन, प्रपोर्शन मतलब क्या हो गया, रेशो, वेरिएबल प्रपोर्शन, प्रपोर्शन मतलब रेशो, तो अनुपात। इसलिए आप याद रखना कि इसमें लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन में शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन चलता है। अब इसकी अजम्पशन जनरली क्या रहती है, हम बोल सकते हैं कि टेक्नोलॉजी में चेंज नहीं हुआ, क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी में चेंज होता है तो जो आपको एमपी दिख रही है कि शुरू में बढ़ती है फिर डिक्लाइन होती जाती है, जरूरी थोड़ी ऐसा हो, क्योंकि प्रोडक्शन तो तब भी बढ़ जाएगा क्योंकि टेक्नोलॉजिकल चेंज हो गया, तो टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है, हम ये बोल सकते हैं। हम जो भी प्रोडक्शन की बात करते हैं वो किसकी बात करते हैं, शॉर्ट रन की। शॉर्ट रन का मतलब क्या हुआ कि एक फैक्टर फिक्स है और बाकी सारे वेरिएबल है, मतलब जो भी आउटपुट चेंज होगा वेरिएबल में से। इसी तरीके से फैक्टर ऑफ इनपुट जो भी होते हैं वो होमोजीनियस होते हैं, मतलब उनकी क्वालिटी और अमाउंट सेम होता है। अगर आप एक और लेबर बढ़ाओगे फैक्टर ऑफ इनपुट, अगर आप जो रॉ मटेरियल खरीदोगे उनमें कोई क्वालिटी में डिफरेंस नहीं आ रहा, अगर क्वालिटी में आएगा तो क्या पता आउटपुट में भी चेंज आ सकता है, तो इसलिए लेबर उसी क्वालिटी के हम बढ़ाते जा रहे हैं। तो अब आप देखिए, मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूँ, लैंड फिक्स, लेबर वेरिएबल, ठीक है, कोई हमने बीच में वीडियो एडिट नहीं करी, आपको पूरा पार्ट सीधा सीधा बताया जा रहा है। एक लैंड एक लेबर, जैसे ही एक लैंड दो लेबर, एक लैंड तीन लेबर, क्योंकि आपको पता है कि वेरिएबल प्रपोर्शन फंक्शन है और हम शॉर्ट रन की बात कर रहे हैं, अभी हम रिटर्न टू स्केल नहीं पढ़ रहे हैं इस वीडियो में, तो प्रोडक्शन क्या हो रहा है दो, फिर आप देखोगे प्रोडक्शन क्या हो रहा है पाँच, फिर आप देखोगे प्रोडक्शन क्या हो रहा है नौ। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप सबसे पहले क्या करोगे, इसको मार्जिनल से समझो। अगर मैं बोल रहा हूँ कि इवेंचुअली मार्जिनल प्रोडक्ट राइज होगा, तो मैं बोल सकता हूँ कि अगर मैंने एक लैंड और एक लेबर लगाई तो जो मार्जिनल प्रोडक्शन है वो दो हो रहा है, जैसे मैंने एक लैंड और दो लेबर लगाई तो मार्जिनल प्रोडक्शन तीन, फिर चार, एक लैंड तीन लेबर, तो आप देख सकते हो बढ़ रहा है। तो अगर आप इसको टीपी से करोगे कनेक्ट, तो दो फिर दो प्लस तीन पाँच, फिर दो प्लस तीन प्लस चार, या पाँच प्लस चार कितने होते हैं नौ, क्योंकि आपको पता है कि टीपी किससे बनता है, सिग्मा एमपी, मतलब हर वेरिएबल फैक्टर बढ़ाने से जो एडिशनल प्रोडक्शन हुआ उसको बोलते हैं मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। और टीपी क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर फैक्टर पे जब आप देखते हो कि आपने एक लैंड और चार लेबर करी, एक लैंड और पांच लेबर करी, तो उसमें टोटल प्रोडक्शन कितना हो रहा है, तो वो किसका टोटल होगा, सिग्मा एमपी। इसी तरीके से एमपी जब बोलोगे तो वो क्या होगा, टीपी एन, और पिछला जो प्रोडक्शन था एन माइनस वन, तो एन करंट का और एन माइनस वन पिछला, तो उसमें क्या गैप है। अगर मैं बोलूँगा कि एन करंट का टीपी एन और टीपी एन माइनस वन, नौ में से पाँच गए तो ये चार क्या है, एमपी है। तो ये शुरू में इवेंचुअली देखो 2, 3, 4 कर दो, तो दो तीन पॉइंट तक, कई जने दो पॉइंट पे भी करते हैं, आप तीन पॉइंट तक करके देख लो, उसके बाद आप क्या करो, जानबूझ के गिरा दो 4 से 3, तो 9 प्लस 3 12, 3 से 2 12 प्लस 2 14, तो आपको दिख रहा होगा कि टीपी बढ़ तो रही है, तो इनिशियली क्या हो रही है, इंक्रीजिंग रेट से, वो किसकी वजह से, एमपी की वजह से दिख रहा है आपको। फिर आपको दिख रहा है कि एमपी डिमिनिश हो गई, तो टीपी भी क्या हो रही है, बढ़ तो रही है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से, और एक पॉइंट पे आके वो स्टेबल हो गई, मतलब जीरो, और उसके बाद क्या हो गया आपका कि प्रोडक्शन गिर गया,
यानी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी नेगेटिव हो गई 0 से -1। तो सिंपल एग्जांपल मैंने लिया, आप आराम से बना सकते हो, आप कोई और भी एग्जांपल बनाओ आराम से बनेगा। तो आप देख सकते हैं कि इसमें तीन स्टेज आ गई। फर्स्ट क्या हो गई, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, ठीक है, स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। दूसरी स्टेज क्या हो गई, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, मतलब स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग की। और तीसरी स्टेज क्या आएगी, नेगेटिव की, जीरो के बाद क्या हो जाती है वो नेगेटिव, तो उसे हम क्या बोलेंगे, लॉ ऑफ नेगेटिव रिटर्न। इसलिए वेरिएबल प्रोपोर्शन में तीन होते हैं आपके। अब इसको जब आप क्या करोगे, एक तरीके से प्लॉट करोगे इस पे, तो आपको समझ में आएगा कि क्या है। तो एक जगह मैंने टीपी और एक जगह मैंने एमपी। इस जगह जो आप देख रहे हो वो आउटपुट है, टोटल प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन, और इस साइड लेबर है। तो लेबर आप देखोगे शुरू में जीरो, तो प्रोडक्शन भी जीरो। अगर एक लेबर लगाएंगे तो लैंड तो फिक्स ही है, तो लेबर से रिलेटेड ही देख रहे हैं। तो एक लेबर लगाई तो टोटल प्रोडक्शन क्या हो गया, दो। दो लगाई तो टोटल प्रोडक्शन क्या हो गया, पाँच। तीन लगाई तो क्या हो गया, नौ। तो मैं सामने आपके बनाते जा रहा हूँ और मैं फटाफट फटाफट बना लेता हूँ। फोर पे क्या हो गया, ट्वेल्व, ताकि टाइम ना वेस्ट हो। फाइव पे हो गया अपना फोर्टीन, सिक्स पे हो गया फिफ्टीन, सेवन पे हो गया फिफ्टीन, सेवन पे भी उधर ही गिर रहा है, एट पे हो गया फोर्टीन। मेरा जरूरी नहीं है कि सिमिलर बने, क्योंकि वाइट बोर्ड है, कोई लाइन का पार्ट नहीं है, तो इस चक्कर में ये बन गया। फिर भी प्रॉपर बना है थोड़ा, क्योंकि थोड़ी बेंडिंग तो हमें भी आती है। तो आप देख सकते हो थोड़े गोले मोटे कर देता हूँ ताकि आपको दिख जाए। यहाँ पे एम पी की बात कर रहा है, तो एम पी में देखो टू थ्री फोर, तो यहाँ पे मैं एम पी से रेट बता रहा हूँ कि जीरो पे जीरो, वन पे क्या हो गया टू, फिर टू पे क्या हो गया थ्री, टू पे हो गया थ्री, फिर उसके बाद थ्री पे देखो फोर, फिर उसके बाद आप देखो फोर पे हो गया थ्री, तो फोर पे हो गया गिर गया, फिर फाइव पे देखो क्या हो गया टू, फिर उसके बाद सिक्स पे देखो वन, सेवन पे जीरो, और एट पे माइनस का वन, तो एट पे माइनस का वन। तो आप देखो ये यहाँ से बड़ा, यहाँ बड़ा, यहाँ बड़ा, इस तरीके से। तो अगर आप जनरली इसमें देखेंगे टीपी और एमपी, तो वो रिलेशनशिप आपको दिख जाएगा। तो आपको इस तरीके से पता चला कि इसमें आपकी बढ़ रही है एक पॉइंट तक, जैसे आपने टू थ्री फोर तक बोला, तो यहाँ तक पॉइंट बढ़ रहा है और यहाँ तक का पॉइंट देखो। फिर उसके बाद आप जनरली देखोगे कि इसके बाद पॉइंट आ रहा है यहाँ तक, तो मेन यहाँ तक, यानी जिसको हम बोल रहे हैं तरीके 15, जहाँ पे मैक्सिमम है। तो आप देख लेना कि वहाँ पे वो 7 पे, जहाँ पे 1 लैंड और 7 लेबर है, तो ये पूरा पॉइंट यहाँ तक मिलेगा। तो अगर मैं इसको मिला देता हूँ, यहाँ पे मैक्सिमम है तो यहाँ तक मिलेगा ये, और इसके बाद ये गिर रहा है और ये भी गिर रहा है। तो इसको अब हम अगले पार्ट में अभी देखते हैं कि कैसे रिलेशनशिप आता है, जिसमें हम बोलेंगे रिलेशनशिप बिटवीन टीपी और एमपी, और रिलेशनशिप बिटवीन एपी और एमपी। तो अभी हम एवरेज प्रोडक्ट का भी बना देते हैं। अब इसके बाद मैं आपको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की स्टेजेस तो बताऊँगा, पर उससे पहले हमने जो सीखा तो उससे रिलेटेड आपको पार्ट पूरा समझना है। तो टीपी और एमपी के बीच में रिलेशनशिप देखना पड़ेगा, यहाँ मैं एम पी लिख देता हूँ, और इसके अलावा आपको रिलेशनशिप बिटवीन ए पी और एम पी देखना पड़ेगा, जिससे आपको और समझ में आ जाएगा। तो देखो टी पी और एम पी का रिलेशनशिप जब आपने देखा, तो आप देख रहे हो बढ़ रही है, लेकिन एक पॉइंट तो क्या है, इंक्रीजिंग रेट से, फिर डिमिनिशिंग रेट से, फिर मैक्सिमम, फिर गिर रही है, ठीक है। यहाँ पे भी मैं बोल सकता हूँ एम पी बढ़ रही है, उसके बाद एम पी कम हो रही है, एम पी जीरो हो गई और एम पी नेगेटिव, चार स्टेजेस आ गई। तो सिंपली यही करना है आपको। इसमें मैंने एपी भी आपको बना के दिखा दिया है, पर जनरली जो मैं दिखा रहा हूँ ये एपी ये है, यहाँ से लेके ये, ठीक है, याद रखना। और जो एमपी है वो गिरता हुआ है, तो मैंने एक रफली बनाया हुआ है, टीपी और एमपी तो बनाया था। अब एपी का मतलब क्या है, जनरली टोटल प्रोडक्शन अपॉन लेबर, इस एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से, नहीं तो सारे एग्जाम्पल में वेरिएबल इनपुट। तो इसका मतलब क्या हुआ, हर लेबर पर प्रोडक्शन कितना हुआ एवरेजली, यही तो पता कर रहे हो कि हर लेबर नॉर्मली एवरेज कितना प्रोडक्शन कर रहा है। तो 2/1, 5/2, 9/3, 12/4, 14/5, तो ये मैंने निकाल लिया, आप देख सकते हो 2, 2.5, 3। तो आप देख रहे हो शुरू में बढ़ रहा है, लेकिन उसके बाद 3, 2.8, 2.5, 2.14, 1.75, ये रफली निकाला हुआ है, लेकिन थोड़ी कैलकुलेशन आसपास गड़बड़ हो सकती है, लेकिन आपको दिख रहा है कि ये बढ़ रहा है, फिर ये कम हो रहा है,
लेकिन नेगेटिव नहीं जा रहा, तो इसका मतलब क्या हुआ, एपी कभी भी नेगेटिव नहीं जाएगा। मैंने गिराया नहीं, मैंने नीचे तक नहीं गिराया, जबकि एमपी को मैंने नेगेटिव जीरो भी किया और नेगेटिव। तो एक तो मैंने रिलेशन आपको वैसे ही बता दिया, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए कि जब तक एमपी बढ़ रही है टीपी बढ़ेगी इंक्रीजिंग रेट से। तो चाहे आप इस पॉइंट से देख सकते हो, लेकिन अगर आपको क्या बोल सकते हैं टेबल से समझना है तो टेबल से बिल्कुल आराम समझ आएगा कि एमपी बढ़ रही है किस रेट से, इंक्रीजिंग रेट से, तो टीपी भी बढ़ेगी, ठीक है। उसके बाद आपको बोल रहा है व्हेन एमपी स्टार्ट डिमिनिशिंग, जब एमपी डिमिनिश होना स्टार्ट करती है तो टीपी बढ़ तो रहा है लेकिन किस रेट से, डिक्रीजिंग रेट से। व्हेन एमपी स्टार्ट डिमिनिशिंग टीपी इंक्रीजेस, बढ़ तो रहा है लेकिन कौन से, डिमिनिशिंग रेट से। जब एमपी जीरो है, जब एमपी जीरो है तो टीपी मैक्सिमम है, और जब एमपी नेगेटिव हो जाता है तो टीपी भी क्या होता है, गिरना चालू कर देता है। यह चौथा पॉइंट, व्हेन एमपी इज नेगेटिव टीपी स्टार्ट डिक्लाइनिंग। इसमें यही बोल लीजिए आप कि आपको दिख रहा है कि एमपी बढ़ रहा है आपका, टीपी भी बढ़ रहा है, एमपी गिरना चालू हो गया तो टीपी भी बढ़ रहा है लेकिन डिमिनिशिंग रेट से। एक पॉइंट पे मैक्सिमम हो गया जहाँ एमपी जीरो है, टीपी गिर गया जहाँ पे एमपी नेगेटिव है। ये हो गया रिलेशनशिप सिंपल सा। अब आप एपी एमपी का बोलोगे तो एपी एमपी में क्या है, नॉर्मल सिर्फ आप एपी एमपी का देखो तो सिर्फ यहाँ ध्यान दो, आपको दिख रहा है कि ये जो एमपी का है वो ऊपर है और एपी नीचे है। तो व्हेन एमपी इज ग्रेटर देन एपी, तो आपको पता है कि एपी बढ़ना चालू कर देता है, 2.53। एमपी इज लेस देन एपी, आप देखोगे कि जैसे ही एमपी लेस देन एपी हो गया, मतलब आप उल्टा भी बोल सकते हो कि जब एपी बड़ा हो गया अब और एमपी छोटा हो गया, तो इस केस में क्या हो गया कि एपी गिर रहा है। आप देख सकते हो एपी गिरना चालू कर देगा 2.5। इसके बाद बोल रहा है कि एमपी इज इक्वल टू एपी, तो एक पॉइंट यहाँ भी बना लो, देखो एमपी इज इक्वल टू एपी, तो वहाँ आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे आने के बाद एपी गिर रहा है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि एमपी इज इक्वल टू जब एपी है तो उस वक्त आप देख सकते हो एपी मैक्सिमम है, उसके बाद गिर रहा है, जनरली ये बोल सकते हैं। तो एपी अपने मैक्सिमम पीक पे होगा जब एमपी इज इक्वल टू एपी होगा। अब इसको मैं इससे तो पता नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे अपना पॉइंट में आ रहा है, तो आसपास आप देख सकते हैं कि इस तरीके से हो जाएगा। फिर इसी तरीके से एमपी क्या हो सकता है, जीरो या नेगेटिव, जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, जबकि एपी क्या होगा, पॉजिटिव ही रहेगा, एपी कभी भी नेगेटिव नहीं रहेगा। ये आपका रिलेशनशिप बिटवीन था। और एक और चीज़, जब आप ये वाली स्टेज बोलेंगे इसे बोलेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मतलब है कि इसके बाद से ही जो आपकी टीपी है वो डिमिनिशिंग रेट से बढ़ती है, यानी इस पॉइंट तक जो टीपी थी वो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रही थी, किसकी वजह से, एमपी। तो मतलब जब एमपी ज़्यादा थी 2, 3, 4, और जब से एमपी गिरना चालू हुई तो इस पॉइंट तक क्या है, पहले स्टेज का एंड पॉइंट, उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अगर आपको मैं बोलूँगा कि कोई प्रोडक्शन प्रोड्यूसर करना चाहेगा तो कहाँ तक करना चाहेगा, जहाँ पे उसका टीपी का है मैक्सिमम, इसका मतलब वो सेकंड स्टेज तक जाना चाहेगा क्योंकि वो प्रोडक्शन और बढ़ाना चाहता है, चाहे उसका कम भी बढ़े लेकिन बढ़ना तो चाहिए एक पॉइंट तक, क्योंकि उसको अगर वो 15 यूनिट बनाता है, अगर वो एक्स्ट्रा और लगा के डबल, सपोज करो कि वो 15 और नहीं बना पा रहा लेकिन वो 6-7 यूनिट भी तो बना रहा है, तो उससे उसको क्या फ़ायदा होगा, उसकी आगे सेल होगी गुड्स और उसको बेनिफिट होगा, तो इसलिए वो यहाँ तक आएगा, लेकिन वो नीचे नहीं गिरना चाहेगा प्रोडक्शन को, इसलिए वो यहाँ पे आके रुक जाएगा। तो बेस्ट स्टेज कौन सी है, सेकंड पॉइंट तक की है। अब हम देखते हैं कि इसके कॉजेज़ क्या हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के, जो हम देखते हैं कि इंक्रीजिंग रिटर्न के क्या कॉजेज़ हैं और डिमिनिशिंग रिटर्न के। डिमिनिशिंग रिटर्न का मतलब ये समझ लिए कि वो गिर भी रहा है और नेगेटिव भी हो रहा है, तो इसलिए इसमें दोनों पॉइंट में सिर्फ क्या होंगे, यानी तीन कॉज नहीं होंगे, सिर्फ दो रिलेटेड कॉजेज होंगे, एक तो इंक्रीजिंग रिटर्न का क्या है कारण और एक डिमिनिशिंग रिटर्न का क्या है कारण। तो अब चलते हैं इन दोनों की तरफ। अब आपने तीन स्टेजेस देखी थी कि स्टेजेस ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, स्टेजेस ऑफ डिमिनिशिंग और स्टेजेस ऑफ नेगेटिव। तो हम इसमें मैंने बोला कि दो पॉइंट बता देता हूँ कि कॉजेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न और कॉजेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, दो फैक्टर का मतलब क्या है, जो गिरती भी और नेगेटिव, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से ले सकते हो। अब कारण क्या है इंक्रीजिंग के, कि फुलर यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज, आपको पता है कि लैंड यूज़ कर रहे हो, लेबर, लैंड एक है, लेबर वो पूरा यूटिलाइज नहीं कर रहा, तो हमने क्या बोला कि फिक्स फैक्टर को हमने जब अंडर यूटिलाइज करा शुरू शुरू में इनिशियली, तो हमें और लेबर की जरूरत हुई, तो जैसे ही वो लेबर आया और प्रोडक्शन अच्छा होता गया। तो फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, एक पॉइंट तक जैसे रिसोर्सेज का फुलर यूटिलाइज हो गया और वो प्रोपोर्शन मिल गया, तो मार्जिनल प्रोडक्शन बढ़ने लग गया हर एक्स्ट्रा लेबर पर, तो इसकी वजह से। दूसरा है डिवीजन ऑफ लेबर एंड एफिशिएंसी, जब हमें पता है कि लेबर कोई स्पेशलाइज्ड होगा तो उसको उस काम में लगा दिया जाएगा तो और प्रोडक्शन बढ़ेगा, उसकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग वो काम करेगा, वो उस चीज़ में स्पेशलाइज्ड हो जाएगा, तो इस तरीके से वो और अच्छा काम करने लग जाएगा। इसी तरीके से बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन फैक्टर, क्योंकि आपको पता था कि जो अनयूज्ड आपकी लैंड थी, जैसे ही लेबर आता गया
तो वो रेशो एक अच्छा होता गया और कोऑर्डिनेशन बनता गया। लैंड और लेबर में पहले भी था कोऑर्डिनेशन, लेकिन जो अच्छा कोऑर्डिनेशन था वो कब बना, जब लेबर और बढ़ते गए और जो अनयूज लैंड था वो यूज होता गया, तो कोऑर्डिनेशन बन गया। तो ये पॉइंट थे इससे रिलेटेड। वैसे ही डिमिनिशिंग और भी आप बना सकते हो, लेकिन क्या है कि वो आप जब मल्टीपल चॉइस देखोगे उसके हिसाब से बनेंगे। कॉजेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर क्या है? फैक्टर की फिक्सिटी। फैक्टर की फिक्सिटी का मतलब क्या हो गया कि लैंड फिक्स है। अब लैंड क्या है, अगर फिक्स है तो वो उतना ही काम कर पाएगा। हमें पता है कि एक पॉइंट तक लेबर बढ़ा देंगे, लेकिन उसके बाद कितना बढ़ाएंगे? अगर लेबर बढ़ा देंगे तो प्रोपोर्शन गड़बड़ा जाएगा, तो कोऑर्डिनेशन पुअर हो जाएगा। तो इसलिए फैक्टर की फिक्सिटी के कारण हम और प्रोडक्शन करने की सोच सकते थे, लेकिन नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि हमारे पास लैंड फिक्स है। क्योंकि आपको पता है कि आपने अजम्पशन देखी थी कि टेक्नोलॉजी में हम चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी चेंज हो गई तो क्या पता उसी लैंड में और ज़्यादा प्रोडक्शन हो सकता था। आपके जो प्रोडक्ट है वो होमोजेनियस है, यानी उसमें क्वालिटी जो सॉरी फैक्टर ऑफ इनपुट है वो होमोजेनियस है, उसमें क्वालिटी और अमाउंट सेम है। मतलब लेबर बढ़ा रहे हैं तो सारे स्पेशलाइज्ड हैं ये मान के चल रहे हैं, और सबकी क्वालिटी जो एडिशनल लेबर बढ़ा रहे हैं वो उनकी सेम है। और जब आप शॉर्ट रन में काम कर रहे हो तो उसमें आप अपने फैक्टर को बढ़ा नहीं सकते हो, ये एक इसका डाउनग्रेड है। इम्परफेक्ट फैक्टर सब्स्टिट्यूटेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि आप जब फैक्टर देखते हो तो आप सब्स्टिट्यूट नहीं कर पा रहे हो। क्यों नहीं कर पा रहे हो? क्योंकि जो लेबर चेंज हो रहा है, जो लेबर बढ़ता जा रहा है, जरूरी नहीं है कि वो कैपिटल को क्या करे, रिप्लेस कर सके। जो मशीनों का काम है वो मशीन करेगी, जो लेबर का काम है वो लेबर करेगा। तो जरूरी नहीं कि लेबर पूरा मशीनों का काम संभाल सके, और जितनी आप लेबर बढ़ा रहे हो तो वो मशीन को संभाल सके, क्योंकि मशीन अपना काम अपने अंडर करेगी। और मशीन का जब आप यूज़ करते जाओगे तो कोऑर्डिनेशन पुअर होता जाएगा। क्यों? क्योंकि मशीन में वियर टियर होगी, रिपेयर मेंटेनेंस का काम ज़्यादा होगा, तो इसकी वजह से कोऑर्डिनेशन भी पुअर हो जाएगा। तो ये सारे इसके रीजन थे, और आपने वो तीन स्टेजेस देख ली। तो आई होप आपको ये शॉर्ट में सारी वीडियो पसंद आई होगी। तो चैनल को इसी तरीके से देखते रहिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। देखने के लिए धन्यवाद।